नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के डिवाई में ग्राहक को लेकर दो दुकानदारों में जमकर चले लाठी डंडे। जनपद बुलंदशहर के कस्बा डिवाई में लॉकडाउन के चलते दुकान खोलने की छूट क्या मिली, दो दुकानदार एक ग्राहक को अपनी अपनी ओर खींचने लगे। आपस में विरोध हुआ तो दोनों दुकान वाले लाठी डंडों से लैस होकर एक दूसरे पर टूट पड़े। किसी तरह राहगीरों ने अपनी जान जोखिम में डालकर एक दूसरे को अलग किया, लेकिन जब तक दोनों पक्ष के कुछ लोग घायल हो चुके थे, जिसका लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस का कहना है कि मामले की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। बुलंदशहर से रिशाद मलिक की रिपोर्ट। आज कस्बा डिवाई में नंद वाटिका के सामने दो दुकानदारों में आपस में ग्राहक को बुलाने की बात को लेकर काम सुनन हो गया, जिसमें एक पक्ष ने मारपीट करी, जिसमें तीन घायल हो गए। उनका मेडिकल करा के मुकदमा लिख दिया गया है और पकड़ने गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जा रही है। दोनों दुकानदार क्या एक ही ट्रेड के थे? हाँ, एक ही सेम दुकान है दोनों। झगड़ा किस बात को लेकर हुआ? ग्राहक को बुलाने की बात को लेकर। FIR एक पक्ष ने लिखाई है, दोनों पक्षों की तरफ से पक्ष ने लिखाई है। एक पक्ष ने। उनको ज्यादा घायल है या? हाँ, सर में चोट है। अच्छा, ओके। किस धारा में मुकदमा पंजीकृत हुआ है? अभी NCR लिखा गया है और एक्सरे होने के बाद जैसा मेडिकल होने के बाद जैसा भी आएगा उस हिसाब से कन्वीन कर दिया जाएगा।